हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो कसका है के मोनाचो राम राम गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज गाइस कुछ चमत्कार हो गया है। चमत्कार ये है कि आज हम लोग उठ गए हैं 7 बजे, मतलब हम लोग नहीं मैं उठ गया हूँ 7 बजे। या मेरे को अपना मुंह थोड़ा सा थिन लग रहा है। खैर तो हम लोग मैं उठ गया था 7 बजे एंड क्योंकि कल मैंने पूरा दिन रेस्ट लिया, बहुत सोरनेस है पैर में, मेरे फ्रंटल थाइज में एंड बट में, हिप में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो रहा है, इस वजह से बहुत रेस्ट मतलब लेने का मन कर रहा था तो मैं सोया जम के एंड उसी बहाने मेरा शेड्यूल भी फिक्स हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी जब हम उठे हैं तो सिर्फ रेगा जग रहा था, क्योंकि आप लोगों को तो उसका शेड्यूल पता ही है और बाकी लोग सो रहे हैं एंड बोर होने वाला हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं, नीचे चलते हैं और देखते हैं। एक डॉलर ही होगा जो जग रहा होगा, पूरा भरोसा है मुझे उस पर। बाकी सब तो सोने जा रहे हैं, सो चुके हैं, रेगा सोने गया। तो बस चलते हैं नीचे, बंद कर देते हैं बिना बात की, बिजली खर्चा नहीं करते हैं एंड अपना दिन स्टार्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी एक्साइटिंग डे, लेट्स गो। डॉलर आओ। ठीक है माता हूँ, टू टायर्ड टू मूव। सो गाइस नीचे आ गए अभी एंड आज मैं जल्दी उठ गया था एंड उस वक्त तो रेगा उठा हुआ था, वो सो गया और अभी मैं फिर अपने सिस्टम पे बैठा हुआ था, थोड़ा ओमेगल शूट करने का कोशिश करा। ओमेगल शूट करना यार बहुत हसल का काम है यार, बहुत जल्दी कंटेंट नहीं मिलता। लेकिन हाँ मैं 1 घंटा बैठा, सब इतना बेकार कंटेंट, मतलब इतना बेकार लोग इस वक्त आते। मैंने सुबह ट्राई करा कि मैं यहाँ पे रहूँगा तो शायद फॉरेन में नाइट टाइम होगा तो अच्छा मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अभी मैं खैर नीचे आया हूँ एंड अभी चाय एंड कुछ वैलो की वीडियो देख रहा हूँ, कोई उठा हुआ है नहीं अभी और बहुत ज़्यादा एम्प्टी लग रहा है गेमिंग हाउस। ये हरीश जी जो है हमारा सेक्सी सा जो है नाश्ता लेकर आए हैं, अंडे की भुर्जी और बाजरे की रोटी, अभी ये खाएंगे और फिर उसके बाद सिस्टम पे जाएंगे, देखते हैं कि फिर से कुछ लक होती है, चलती है या नहीं चलती है ओमेगल में। ओमेगल अगर अच्छा बन जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो अपने पास ऑल्टरनेटिव भी है। लेकिन हाँ वीडियो ज़रूर निकलेगी, मेहनत फुल ऑन रहेगी, बस चाहिए तो आपका प्यार। तो अभी करते हैं एंड कोई उठ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अपने काम पर लग जाएंगे। फाइनली सम चेहरे इन गेमिंग हाउस। 7 बजे सुबह से मैं बैठा हुआ हूँ सेठ भाई यहीं पे। क्यों? कुछ करने को ही नहीं है यार, कोई बात करने को, कुछ करने को। अभी जाके उस वाले कमरे से ये और ये निकला है। आपने ही उसको कपड़े पहनाए थे? कहाँ से खरीदा भाई? मेरे मम्मी ने मेरे डॉगी के लिए टक्सीडो लेके आई थी कहीं से, तो मैं बोला इसको नंगा थोड़ी लेके जाऊंगा तो इसको रास्ते में कपड़ा ले लिया मैंने। ऐसे ऐसे सोफा में राउंड राउंड भाग रहे थे, ठीक है, एक के पीछे एक रुक रहा था, मूत रहा था, भाग रहा था, उसके पीछे वही दूसरा कुत्ता वही सेम जगह पे मूत रहा था, तीसरा कुत्ता उसके ऊपर वापस मूत रहा था। भाई साहब धूप है यार, हालत खराब हो जाएगी। चले जाओ यार, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मांबा मिया, ऐसे कैसे आपके फैन है यार, मतलब इनके नहीं है, फ्री बंट के आए हैं। क्या हाल है? लियो व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? नहीं नहीं ऐसे ही फोटो खींच रहा हूँ। 8 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे। तुम यही तो गलत बात है, हम तो अभी उठे हैं, मतलब मेरे को अभी पता चला तबीयत खराब हो जाएगा यार तुम्हारा। तबीयत का कोई इशू नहीं है भाई। नहीं हमें खराब लगता है यार, आप लोग जो है ऐसा करोगे। अरे नहीं यार, आप लोग इतना सब करते हो यार। फैन ने प्यार दिया यार, फैननी ने प्यार दिया है। फैननी ने, सॉरी। हां वैसे ये कैसे पता तुम्हें कि वो फीमेल है मेल है? डीपी दिख गई। अय्या है। क्या भेजा है? तो पता नहीं था क्या भेजा है, क्या मैसेज भेजा है? इट्स अ स्वीट मैसेज। हां इट्स अ स्वीट मैसेज, काइंडली लेट अस नो, प्लीज शेयर विद अस। मतलब इंस्पायर करते हो, एडमायर करते हो, हैप्पी रोज डे, ऐसा ऐसा लंबा लिखा है। सो स्वीट मैन, सो स्वीट। गाइस अभी कुछ करने को नहीं था तो सोचा अभी 3:30 बज रहा है तो अभी जिम कर लिया जाए। वैसे तो बहुत हालत ख़राब है, लेकिन अगर नहीं करता तो फिर वो और ख़राब हो जाती है। कॉन्स्टेंटली करते रहने में ही ज़्यादा सही है, वरना अगर लेकर बैठा रहा मैं कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो होता ही चला जाएगा। तो अभी आ गए हम नीचे, जल्दी से कर लेता हूँ, सिड भाई शाम में करेंगे। I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, what? Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell them run it up, I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, what? Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell them run it up. 9 out of 10 roll through my hands, I'm by my lonely.
turned to a savage, now my baby wants to hold me. I love my fans, don't need no friends, I got my homies. Thought I could trust you, I find out you tried to zone me. I'm number one up on that court, I'm Nick McGrady. The first one in, the last one out, can't call me lazy. Put in my hours, send an invoice, send a payment. कैसा लग रहा है दो दिन बाद जो है कमरे से बाहर निकल के हंसी नहीं हो रहा भाई, कुछ बहुत खराब वाला भाई जिन तो मैं कर रहा हूँ टूट मेरी रही है, तू किस बात का? जब तुमने कल परसों सो रहा है ब्लूटूथ से जा रहा है क्या? हाँ तुमने कल परसों सो रहा है ना, एक थाई में डेड लिखा था, एक और में डेड लिखा था। हाँ डेड को बंद करता था, मैं भी डाल दूँ पूरा ऐसा डेड डेड डेड। आजकल अभी मैं मॉन्ट्रियल और रेगा बात कर रहे थे, डोमेस्टिक फ्लाइट में थोड़ा सा बकैती हो गया गाइस कि लैंडिंग एंड टेक ऑफ के वक्त ना ऐसा कान में प्रेशर रहता है। मेरे को याद आ रहा है मैं बैंगलोर गया था अभी कुछ टाइम पहले, पहले नहीं रहता था, पहले रहता था और खोल देते थे ऐसा करके, बट अब भाई 15-20 मिनट लगातार मैं वो प्रेशर देके ना नाक बंद करके खोल भी नहीं सकता, बहुत तेज दर्द होता है। जब दो दिन ट्रैवल किया तो पहले मुंबई से दिल्ली गया तो थोड़ा 10 मिनट तक का ही हुआ, तो वो तो सह लिया कि मान लो पहले 5 मिनट का होता था, 10 मिनट सह लिया भाई। आते हुए मेरे को हेडेक था, मेरे को वॉमिट जैसा पहले से हो रहा था, तो कान जब दर्द हुआ तो मैं ना मतलब तड़प रहा ना कहते हैं ना, तड़प रहा था मैं बीच में बैठा हुआ आस पास। अच्छा मिडिल सीट थी क्या? हाँ मैं तड़प रहा था कि मेरे को भाई कुछ कर दो, मेरा तो ये हो रहा था कि भाई उतार दो, मैं यही उतर जाऊंगा, मेरा यही था। मैं कहा और हुआ ना, मैं फ्लोर शॉकर जाकर गिरने वाला, फ्लाइट उतरेगी 15 मिनट, इतना बजा हाँ, मेरा भी सही। और फिर कल जब गणेश भाई आए उन्होंने वैसा मसाज किया तो उसका दर्द बाहर निकला है, वो गल वो दर्द निकला है। हाँ ये आ गए अभी भाई, एक आदमी तो ऐड हुआ। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ एक आदमी तो ऐड हो गया कम से कम। काय में ऐड हो गया? अबे भाई सन्नाटे में है? गाफ में भाई ज्यादा गंदा गंदा गंदी बात चल रहा है, गंदी बात गंदी बात गंदी बात है, गंदी बात है। पिक्चर देखे वो कौन सा है वो? अरे गोलमाल में उसे कुत्ता गाफ में काट लेता है। ऐसा 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 भाई देखो मजा आने वाला है, मैं दो दिन के लिए यहाँ पर हूँ, फुल फन करने वाले, वर्कआउट में भी इनको सपोर्ट। दो दिन में तुम दो दिन के लिए हो यहाँ पे? 11 को तो अपन वहाँ जा रहे हैं कॉमिक कॉन। हाँ तो कल आज हो गया ना, कल का तो पूरा दिन वैसे ही बिजी है अपना, कल शूट आज है, आज का दिन खत्म, ऐसे डीलर शूट है, 11 को निकल ले अपन वहाँ। किसका शूट है? तेरा? हाँ मेरा शूट है कल। तो ये देखो भाई, भाई का नाश्ता वड़ा पाव, ये वड़ा पाव खा रहे हैं, वड़ा पाव खा रहा है, और लेकिन इसका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, इसको कहीं नहीं लगता है, मतलब पेट लगा रहे। कहाँ हाथ गया आपका? कहाँ हाथ गया? चेस्ट है, मर्द है तुम, वहाँ पे चीटी काट दिया आपने। अरे भाई लोग में चलता है ना यार। हाँ गाइस लेकिन अपना कल बहुत खतरनाक शूट है, और फिर उसके बाद 11-12 बिजी हैं, 13 को बिजी है, 14 को मैं कोई बिजी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे लड़कों के साथ रहूँगा। छी भाई और जो भी हो रहा है, और 15 को मैं बिजी हूँ, 16 को मैं बिजी हूँ, बहुत गंदी हरकतें हो रही हैं। अभी कॉट इन एक्शन हो जाता यार मामर के अलावा कुछ, बस शक्ल दिखा रहा था गाइस, एक धोखेबाज की, बस और कुछ नहीं। हाँ भाई अच्छा, अपनी रील के लिए क्या मेरे को रील के लिए पूछा था, मैंने एक बार भी मना नहीं किया है ना तेरे को। बाबू कितने साल का है तू? 19 फिट मार दिया तेरे को, मार खा रहा है। वो रील में तो अभी स्टोरी पे शेयर करूं, मैं भी ऑडियंस को बताता हूं। क्या बता दो? रील दो ना, अभी दो ना, इंस्टाग्राम पे भेजो। अरे तो फिर तो धोखेबाज बताता हूं, भेजो भेजो और के साथ करेंगे ना। डरा क्यों? भेजने से भेज अब भाई, रील रील होता है, सपोर्ट सपोर्ट होता है, भाइयों के लिए कुछ भी करने का कर दो जाता है भाई। ये इंसान इसका बैगन मेरे पे लगा रहा था, इसको ये रील बनाना है, पैंट खोल के बैगन लगा रहा था, बैगन की जगह केला मुंह पे लगा रहा था, चटा रहा था। सच्चाई ये नहीं, ये झूठ बोल रहा है। पलट क्यों रहा है? पलट नहीं रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ ना भाई। मैं तो मजाक, देखो कैसा है ना कॉन्टेंट, ये सोया रहेगा, ये आके चटाएगा, ये आके सॉसेजेस लेके आएगा, ठीक है, केला, ये नींद में रहेगा, मुंह में ऐसा केला ऐसा ऐसा टच कराएगा, मैं उठूंगा जिप लगाएगा, और ये उठेगा और ये केला फेंक के जिप लगाएगा। तरीका है ये, भाई के साथ ऐसा करोगे जनता बताओ, अगर आप हाँ बोलोगे तो आधी करेगा, ना बोलोगे तो भी आधी करेगा। मैं अंडर एज बच्चे को मार थोड़ी रहा हूँ, हम तुम्हारे जैसा नहीं, आधी मैंने देखो नहीं मारा था, इसने मारा था, आधी तुम्हारे जैसा नहीं, हम कर आधी इसने नहीं मारा, इसने मारा भाई के लिए कुछ भी कर देगा। बना लो जो बना, इसी का तो था मार खाने में, मैंने देखो नहीं मारा, आधी देखो मैंने नहीं मारा, इसने मारा। और चैट में जो आदि ओपी, आदि ओपी हुआ उसका क्या? कब हुआ आदि ओपी? आदि कमेंट सेक्शन पढ़ जाके लिख रहे कि आदि को भी सेक्स ओपी करवा देंगे। नहीं 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 करा देंगे, ना ना भाई बहुत थोड़ी 18 प्लस का पावर है मामा, थोड़ी 18 प्लस ही है, दूसरी को जो तो कर देंगे बाबा। जोकर में होते तो कर देते, कर लो तुम, कर लो भाई,
तुम कर लो क्या पागल है क्या तू कर लेना अब क्या हुआ ऐसे ही तेरे को तो रियल में करेंगे तो भी मजा आएगा भाई कोई सपोर्ट नहीं ओए एक सेकंड जोकर भाई की ना वो हजम होने की गोली उधर छूट गई है अबे कौन सी हजम होने की तू पागल है क्या तो खाना हजम नहीं होता ना तो मैं खाना हजम नहीं होता तेल के खाने की वो बोलो क्या हुआ क्या हुआ तू क्या पढ़ रहा था क्या भाड़गांव कितना बेशरम ये तुम्हारा रोनाल्डो बताया मुझे कि ये देखो गुलडेस पे क्या अच्छा, क्या खाते मतलब तुम लोग दोस्त यार बन गए एक दिन में एक ट्रिप में तुम्हारा पोल खोल जैसा लेकिन तुम्हारा हाजमा खराब तीन डब्बी है तीन अलग अलग है मल्टीविटामिन है क्या वो तुम्हारी नहीं है छोड़ दो क्या फोड़ दू वो जो हजम होने वाली है खाना हजम करना थोड़ा सा बहन का वो जो गोलियां है वो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्यों है वो डाइजेस्ट नहीं होता है खाना तो भी सिखा रहा है डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीन के किस बात की वाइबिंग चल रही है जिम जा रहे हो या आ रहे हो अब जा रहे हो हर रोज अच्छा जी 49 था अभी 56 हो गए क्या बात है मेरा लूज हो गया इसको गेन हो रहा है सो गाइस अभी मैं अपना पोकेमोन यूनाइट का स्ट्रीम ख़त्म करके आया आज बहुत मज़ा आया बहुत ज़माने बाद मोबाइल गेम खेला तो जितने लोग देखने के लिए आए थे बहुत ज़्यादा खुश थे कि बहुत ज़माने बाद मोबाइल गेम कोई कर रहे हैं एंड करने का पर्पज़ ही यही था कि ताकि मोबाइल गेम्स की डेफिनेशन सिर्फ BGMI और फ्री फायर ही ना रहे मतलब डेफिनेशन सिर्फ उतनी ही ना रह जाए मोबाइल गेम्स की ताकि कुछ और लोग जो कुछ और गेम्स में शायद उन लोगों का हिडन टैलेंट है लेकिन वो एक्सप्लोर ना करें इसलिए और भी गेम्स बढ़ते रहने चाहिए इस वजह से वो वाला स्ट्रीम किया ऐसे न्यू स्टेट भी करेंगे एंड आज का दिन फन था लोग आए और मज़ा आया बातचीत हुई एंड एवरीथिंग लेकिन कल का दिन अब अच्छी तरीके से और स्टार्ट करेंगे हालांकि कल शूट है पूरा दिन लेट्स सी कैसा शूट रहता है कैसा नहीं और कल एक दो मेरे को अपने चैनल के लिए भी शूट निपटाना है सो चैलेंज वीडियोस एंड एवरीथिंग सो देखते हैं अगर SA12 वाला शूट जो है हो गया टाइम पे तो हम अपना शूट करेंगे अदरवाइज़ उसको किसी और दिन करेंगे परसों कॉमिक कॉन है तो उसके बाद ही कर पाएंगे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ तुम लोगों को तो पता ही है लेकिन अभी चलते हैं सोने के लिए और कल का दिन हम लोग शुरू करेंगे सही टाइम पे इसलिए अभी ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहा कल व्लॉग करेंगे और स्ट्रीम भी करेंगे सब कुछ करेंगे पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिलता रहे जितना कर सकूँगा उतना करूँगा प्रॉमिस है बस तुम लोगों का सपोर्ट और तुम लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं मांगता हूँ मिलते गाइस आप लोगों से अगले व्लॉग में अंटिल देन गुड बाय टेक केयर स्टे सेफ बाय बाय